आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। हैक हुआ पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट, बिटकॉइन को लेकर लिखा गया ट्वीट। भव्य और दिव्य युग में प्रवेश करेगा बनारस, पीएम मोदी कल करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ। कैप्टन वरुण सिंह की हालत 72 घंटे बाद भी नाजुक, पूरा देश कर रहा सलामती की दुआ। महाराष्ट्र में 1.5 साल की बच्ची ने खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट को दी मात, अस्पताल से मिली छुट्टी। लखनऊ कार्निवल का आज होगा शुभारंभ, दोपहर 12 बजे गोमती रिवर फ्रंट पर होगा शुभारंभ। नमस्कार प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। आज लखनऊ में अमित शाह की रैली होगी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। बीजेपी और निषाद पार्टी करेंगे संयुक्त रैली, सीएम योगी और निषाद पार्टी के अध्यक्ष करेंगे जनता को संबोधित, रमाबाई मैदान में होगी जनसभा। मछुआ आरक्षण को लेकर की जा सकती है घोषणा, लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी और निषाद पार्टी करेंगे संयुक्त रैली, सीएम योगी और निषाद पार्टी के अध्यक्ष करेंगे जनता को संबोधित, रमाबाई मैदान में होगी जनसभा। मछुआ आरक्षण को लेकर की जा सकती है घोषणा, लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी और निषाद पार्टी करेंगे संयुक्त रैली, सीएम योगी और निषाद पार्टी के अध्यक्ष जनता को करेंगे संबोधित, रमाबाई मैदान में होगी जनसभा। मछुआ आरक्षण को लेकर की जा सकती है घोषणा, लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, बीजेपी और निषाद पार्टी करेंगे संयुक्त रैली, सीएम योगी और निषाद पार्टी के अध्यक्ष करेंगे जनता को संबोधित, रमाबाई मैदान में होगी जनसभा। मछुआ आरक्षण को लेकर की जा सकती है घोषणा, लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह की रैली, बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी और निषाद पार्टी संयुक्त रूप से रैली करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे, निषाद पार्टी के अध्यक्ष और सीएम योगी दोनों जनता को संबोधित करेंगे, रमाबाई मैदान में जनसभा होगी। मछुआ आरक्षण को लेकर भी घोषणा की जा सकती है, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम वक्त बचा है उसको लेकर बीजेपी के सभी दिग्गज नेता मैदान में उतर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और ये रैलियों का दौर लगातार चल रहा है, वो पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से चल रहा है। सीएम योगी और निषाद पार्टी के अध्यक्ष आज संयुक्त रूप से जनसभा करेंगे और जनता को संबोधित भी करेंगे, रमाबाई मैदान में होगी ये रैली। बीजेपी और निषाद पार्टी संयुक्त रूप से रैली करेंगे, सीएम योगी और निषाद पार्टी के अध्यक्ष करेंगे जनता को संबोधित, रमाबाई मैदान में होगी जनसभा। मछुआ आरक्षण को लेकर ये घोषणा की जा सकती है, और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, निषाद पार्टी के अध्यक्ष और सीएम योगी दोनों एक साथ आज जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, 17 तारीख को ये रैली होनी है शिखा, और 17 दिसंबर को लखनऊ में रमाबाई मैदान में रैली होगी, जिसमें निषाद पार्टी और बीजेपी के संयुक्त रैली है, क्योंकि निषाद पार्टी अब बीजेपी के साथ आ चुकी है, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव मिलकर साथ लड़ा जाएगा। और इस रैली में जनता को संबोधित करने के लिए और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। ये चुनावी रैली रहेगी, जहाँ पर अमित शाह जनता को, जनता के बीच और निषाद पार्टी और बीजेपी के साथ के बारे में बताएंगे। 17 तारीख को निषाद मैदान, रमाबाई मैदान में इस रैली का आयोजन होना है। और सबसे अहम बात यह है कि जो निषाद समाज है उसके आरक्षण को लेकर लगातार कहीं ना कहीं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद कहते आए हैं कि जो निषाद समाज है उसके आरक्षण को लेकर सरकार ने कुछ नहीं किया। अब इस गठबंधन के बाद देखना होगा कि इस रैली में क्या इस तरह का कोई ऐलान होता है या नहीं।
जी, तो जिस तरह का ऐलान के कयास लगाए जा रहे हैं, तो क्या कुछ मिल सकता है मछुआ आरक्षण को लेकर? देखिए, आरक्षण की बात अगर कही जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एससी ओबीसी का आरक्षण होता है, उसी तरह से क्या कोई परसेंटेज में आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि ओबीसी में ऑलरेडी निषाद समाज आता है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या अलग से किसी प्रकार का कोई आरक्षण दिया जाएगा निषाद समाज के लिए, या उसका जो ग्राफ है उसे बढ़ाया जाएगा, ये देखना होगा। फिलहाल ये एक चुनावी रैली है 17 तारीख को, जिसमें अमित शाह मौजूद रहेंगे, उसमें इस चीज का ऐलान किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये बात की बात है। लेकिन अभी उससे अहम बात यही है कि अमित शाह चुनावी रैलियों की शुरुआत राजधानी लखनऊ से कर रहे हैं और 17 तारीख को वो लखनऊ में रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता नितिन कुमार जुड़े हुए थे। लखनऊ कार्निवल का आज होगा शुभारंभ, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा करेंगे शुभारंभ। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक समेत तमाम नेता भी रहेंगे मौजूद। मेयर संयुक्ता भाटिया भी रहेंगी मौजूद। दोपहर 12 बजे गोमती रिवर फ्रंट पर होगा शुभारंभ। 12 से 18 दिसंबर तक चलेगा लखनऊ कार्निवल। दोपहर 1 बजे आईजीपी गोमती नगर में होगा कार्यक्रम। लखनऊ कार्निवल का आज होगा शुभारंभ, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा करेंगे शुभारंभ। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक समेत तमाम नेता भी शामिल। लखनऊ मेयर संयुक्त भाटिया भी रहेंगी मौजूद। दोपहर 12 बजे गोमती रिवर फ्रंट पर होगा शुभारंभ। 12 से 18 दिसंबर तक चलेगा लखनऊ कार्निवल। दोपहर 1 बजे आईजीपी गोमती नगर में होगा कार्यक्रम। लखनऊ कार्निवल का आज होगा शुभारंभ, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा करेंगे शुभारंभ। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक समेत तमाम नेता भी रहेंगे मौजूद। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़ चुके हैं। नितिन, लखनऊ कार्निवल का शुभारंभ हो रहा है और लखनऊ के कई बड़े नेता भी इसमें मौजूद हो रहेंगे, तो किस तरह से इसमें लोगों को रोजगार मिलेगा और क्या वजह है जो लखनऊ कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है? देखिए, लखनऊ कार्निवल का आयोजन आज जो हो रहा है, जिसका उद्घाटन डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा करने वाले हैं, उसके अलावा मंत्री धर्म सिंह सैनी, महेंद्र सिंह जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, लखनऊ की मेयर संहिता भाटिया, ये सब लोग इसमें मौजूद रहेंगे। 12 बजे का समय है जो गोमती रिवर फ्रंट है लखनऊ में, वहां पर इसका उद्घाटन किया जाएगा और 12 से 18 तारीख तक ये जो कार्निवल है ये चलने वाला है। कहीं ना कहीं जो लखनऊ और उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख धरोहरें हैं उनके बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग जिलों में जिस तरह से ओडीओपी को बढ़ावा दिया गया है, तो उससे जुड़ी हुई चीजें भी यहाँ पर आ दी जाएंगी। कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और अलग अलग तरह के कार्यक्रम, कॉम्पिटिशन भी करवाया जाएगा। इस तरह के जो प्रमुख कार्यक्रम है वो इस कार्निवल के तहत होने वाले हैं। जी नितिन, क्या कुछ अलग देखने को मिल सकता है लखनऊ कार्निवल में? देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश या राजधानी लखनऊ में अलग अलग तरह के कार्निवल्स हो रहे हैं, जिसमें युवा जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। और इसके अलावा जो अलग अलग तरह की जो एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज में भाग भी ले रहा है युवा, तो उसी को देखते हुए इस तरह का ये कार्निवल करवाया जा रहा है। और जिसमें जो राजधानी लखनऊ से जुड़ी हुई चीजें हैं वो बताई जाएंगी। कई सारे प्रमुख प्रतियोगिताएं हैं जिसमें जो युवा होगा वो भाग लेगा। इस तरह के जो प्रमुख अलग अलग कार्यक्रम है वो होने हैं और उसमें उसी का उद्घाटन आज होना है। शिवा जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन जुड़े थे। तो लखनऊ कार्निवल आज से शुरू हो रहा है, दोपहर 1 बजे आईजीपी गोमती नगर में एक कार्यक्रम भी होगा और लखनऊ कार्निवल का आज शुभारंभ होगा। अलीगढ़ में अवैध हथियारों के तस्करों का आतंक, तस्करों का वीडियो हुआ वायरल, तमंचे के साथ नजर आया युवक, मामले का पुलिस ने लिया संज्ञान। अलीगढ़ में अवैध हथियारों के तस्करों का आतंक, तस्करों का वीडियो हुआ वायरल, तमंचे के साथ नजर आ रहा युवक, मामले का पुलिस ने लिया संज्ञान। अलीगढ़
अलीगढ़ में अवैध हथियारों के तस्करों का आतंक, बड़ी खबर सामने आ रही है, तस्करों का वीडियो हुआ वायरल। तमंचे के साथ नजर आ रहा युवक, मामले का पुलिस ने लिया संज्ञान। इस खबर पर हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, जिस तरह से हथियारों का ये जो खबर सामने आई है कि तस्करों का आतंक देखने को मिल रहा है और तमंचे के साथ युवक नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इस पे? जी 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 तो पुलिस ने इस मामले पे क्या कार्रवाई की है संज्ञान लेने के बाद? जी, तो जिस तरह से तस्कर एक्टिव नजर आ रहे हैं तो उनके लिए क्या कुछ कदम उठा रही है पुलिस? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितेश जुड़े थे अलीगढ़ से। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आबकारी मंत्री का बड़ा बयान, सामूहिक विवाह में शिरकत करने पहुंचे राम नरेश अग्निहोत्री। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आबकारी मंत्री का बड़ा बयान, सामूहिक विवाह में शिरकत करने पहुंचे राम नरेश अग्निहोत्री। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आबकारी मंत्री का बड़ा बयान आया सामने, सामूहिक विवाह में शिरकत करने पहुंचे राम नरेश अग्निहोत्री। मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, आबकारी मंत्री का बड़ा बयान आया सामने। बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण, लोकार्पण का निमंत्रण पत्र बेहद खास, कार्ड में मंदिर के 200 सालों के सफर का जिक्र। बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण, लोकार्पण का निमंत्रण पत्र बेहद खास, कार्ड में मंदिर के 200 सालों के सफर का जिक्र। बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण, लोकार्पण का निमंत्रण पत्र बेहद खास, कार्ड में मंदिर के 200 सालों के सफर का जिक्र। बनारस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण जल्द होने वाला है, लोकार्पण का निमंत्रण पत्र भी बेहद खास है और इसमें 200 सालों का इतिहास का जिक्र किया गया है। मंदिर का 200 साल कैसा रहा सफर, उसका जिक्र किया गया है। पीएम मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण होना है, जिसके लिए पत्र भी छप गए हैं और लोकार्पण के निमंत्रण पत्र काफी खास नजर आ रहा है, क्योंकि उसमें 200 सालों का सफर का जिक्र किया गया है। आमंत्रण पत्र देख सकते हैं आप किस तरह से उसमें पूरे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के 200 सालों के इतिहास को लिखा गया, यानी कि उसका सफर लिखा गया है, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और कैसे कैसे इस मंदिर में बदलाव हुआ है और आखिरकार अब जो ये कॉरिडोर बनकर तैयार हुआ है, तो शुरुआत से लेकर अब तक यानी 200 सालों का सफर लिखा गया है इस निमंत्रण पत्र में, जो कि काफी खास है और आकर्षक भी है। लोकार्पण का निमंत्रण पत्र बेहद खास तरीके से बना है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वाराणसी दौरा, जंगीपुर के भरसर गांव में पहुंचेंगे डिप्टी सीएम।
कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास, पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। गाजीपुर से वाराणसी के रामनगर जाएंगे पार्टी पदाधिकारियों के साथ संवाद करेंगे डिप्टी सीएम। अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, खड़े ट्रक में लगी आग, ट्रक में रखा लाखों का सामान जलकर राख, मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। कोतवाली इगलास के गांव आसना का मामला। अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, खड़े ट्रक में लगी आग, ट्रक में रखा लाखों का सामान जलकर राख, मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। कोतवाली ग्लास के गांव आसना का मामला है जो सामने आया है और खड़े ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। अलीगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खड़े ट्रक में आग लग गई और आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। योगी सरकार में कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त, तेलीबाग से 11 वर्षीय बच्ची हुई अगवा, स्कूल से आ रही बच्ची तेलीबाग से हुई अगवा, लखनऊ कमिश्नरेट का पुलिसिया दावा हुआ फेल, तेलीबाग पुलिस पूरी तरह से मौन, थाना पीजीआई नहीं लिख रहा मुकदमा। बड़ी लापरवाही भी सामने आई है, थाना पीजीआई क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां थाना पीजीआई मामला नहीं लिख रहा है। योगी सरकार में कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त, तेलीबाग से 11 वर्षीय बच्ची हुई अगवा, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।